जम्मू संभाग के कठुआ डोडा जिलों में हो रहे लगातार आतंकी हमलों को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और सेना ने बड़ा तलाशी अभियान चलाया हुआ है। जंगल पहाड़ के चप्पे चप्पों को खंगाला जा रहा है। वहीं डोडा पुलिस भी अपने सख्त एक्शन के साथ मैदान में उतर गई है और ओवरग्राउंड वर्कर्स पर धावा बोल दिया है, जो आतंकी को रहने, खाने पीने और छुपने और गाइड का काम करते हैं। अब ओवरग्राउंड वर्कर और आतंकियों के सपोर्टर्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार को विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर देना चाहिए, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश आतंकवाद से निपटने सहित सभी मोर्चों पर विफल रहा है। उन्होंने कहा, ये जम्मू में विफल रहा है, ये आतंकवाद के खिलाफ विफल रहा है, ये विकास में विफल रहा है, ये हर पहलू हर मोर्चे में विफल रहा है। एलजी को दी गई पावर्स पर उन्होंने कहा, ये बहुत कम समय के लिए है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और होम मिनिस्टर ने आश्वासन दिया है कि चुनाव के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिल जाएगा। डोडा जिले के एक वन क्षेत्र में 4 घंटे के अंतराल में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 2 बार गोलीबारी हुई। अधिकारियों ने बताया कि गांव के बाहर संदिग्ध गतिविधि देखे जाने पर विलेज डिफेंस गार्ड्स ने भी गोलीबारी की। देसा वन क्षेत्र में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान मंगलवार रात 10:45 पर कल्लान में भी और फिर सुबह 2 बजे पंजन भाटा के पास गोलीबारी की सूचना मिली, जहां सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात सेना के 4 जवान शहीद हो गए थे। सुनील डिंपल ने इमामबाड़ा न्यू प्लॉट जम्मू में शुरू हुए मुहर्रम जुलूस में भाग लिया। सुनील डिंपल ने हजरत इमाम हुसैन जी को श्रद्धांजलि दी, उनके बलिदान को याद किया और सांप्रदायिक सद्भाव भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति के लिए प्रार्थना की और सभी से हजरत इमाम हुसैन जी के दिखाए गए प्रेम और बलिदान के मार्ग पर चलने की अपील की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में 8वें मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीन के झंडे और नारे लगाने के मामले में FIR दर्ज की है। पुलिस ने कहा कि इस तरह के नारे और झंडे अशांति फैलाने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की संभावना रखते हैं। श्रीनगर के कोठीबाग पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। जम्मू संभाग में आतंकी हमलों की हालिया घटनाओं पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि ये गंभीर चिंता का विषय है कि आतंकवादियों ने अब जम्मू पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है, दहशतगर्दों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। ऐसे में जम्मू संभाग को सेना की पश्चिमी कमान से हटाकर नगरोटा स्थित उत्तरी कमान को सौंप देना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर बैठक हुई, जिसमें सरकार व संगठन के लोग शामिल थे। बैठक में एक सीट की जिम्मेदारी 3 मंत्रियों को दी गई है। बैठक के बाद बाहर निकले कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई और सभी की जिम्मेदारी तय की गई। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया है कि अग्निवीरों को हरियाणा में 10% आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना में स्किल और एक्टिव युवा तैयार होते हैं। सीएम ने ऐलान किया कि अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड्स, जेल गार्ड्स और SPO की भर्ती में 10% आरक्षण दिया जाएगा। ग्रुप सी में 3 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। ग्रुप बी में 2%, ग्रुप ए में 1% आरक्षण दिया जाएगा। अग्निवीर सैनिकों को 5 लाख तक का बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा। सरकार अग्निवीर सैनिकों को यातायात दुर्घटना में घायल होने पर मुआवजा देगी। हर जिले में कमेटी का गठन कर दिया गया है। अग्निवीर को आर्म्ड लाइसेंस भी इश्यू किए जाएंगे।